उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में एलसीडी अपाची बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर महिला की गला दबाकर की हत्या। आपको बताते चले, दहेज लोभियों ने एलसीडी और अपाची मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं होने पर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। थाना भोजीपुरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा। थाना शेरगढ़ के गांव रामपुरा निवासी मृतका के पिता श्रीपाल ने बताया, ममता की शादी थाना भोजीपुरा क्षेत्र के गांव हसा में दुर्गा प्रसाद के पुत्र अजय कुमार के साथ की थी। अजय कुमार राजमिस्त्री का काम करता था। क्या नाम भैया आपका? श्रीपाल। कहाँ के रहने वाले भैया? रामपुरा थाना शेरगढ़। क्या हुआ, आपकी बेटी कैसे खत्म हो गई? सब दहेज के पीछू एलसीडी मांगते थे, अपाची गाड़ी मांगते थे। मैंने स्प्लेंडर दी थी, उनने कल गला घोट को हत्या कर दी उसकी। किस किसने हत्या करी आपकी? अजय कुमार, दुर्गा प्रसाद, रेमका देवी। कौन है आपस में रिश्ता इनका? आपस में कौन लगते हैं? दुर्गा प्रसाद है। दुर्गा प्रसाद ससुर और रेमका देवी सास। अजय मार दिया क्या? कितनी मांग करते थे क्या? अपाची गाड़ी और एलसीडी। बीच में ही मारपीट करी बेटी साथी? जी, शादी से 2 महीने बाद यही मार तोड़ करता था। साहब पी को आता था, भट्टी गांव में थी। ससुराल वाले फरार हो गए क्या? सब लोग भाग गए वो। आप कहे तो बेटी कहाँ पड़ी हुई है? जमीन पर। परिवार वाले सब भाग गए थे? सब लोग भाग गए, हम यही से पहुँचे वही से। कहाँ करी थी शादी आपने बेटी? हंसा में, थाना भोजीपुरा। कितने समय हो गए शादी हुई? 1.5 साल। कोई बच्चा है इसके भी? कोई बच्चा नहीं है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में डीसीएम की टक्कर से घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। जिला शाहजहानपुर थाना सदर मोहल्ला रोशन नगर निवासी सोवरन 30 वर्षीय पुत्र शंकर लाल जयपुरिया स्कूल से काम करके घर जा रहा था। रास्ते में डीसीएम ने टक्कर मार दी, युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या नाम भैया आपका? श्रीपाल। आपके कौन थे भाई? क्या नाम था इनका? सोबरन लाल। कैसे खत्म हो गया, क्या हुआ था? जयप्रिया स्कूल से जा रहे थे, मालीगिरी का काम करते थे, घर पे और रास्ते में इनके टक्कर मार दी डीसीएम से। फिर इन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। सरकारी अस्पताल भर्ती कराने के बाद नहीं फायदा हुई तो बरेली लाए। बरेली लाने में 3-4 दिन भर्ती रहे, बाद में मृत्यु हो गई। कब की घटना है ये? 2 तारीख की। गाड़ी पकड़ गई है? गाड़ी पकड़ गई। कहाँ के रहने वाले थे ये? रोशन नगर सदर जिला शाहजहानपुर। कब खत्म हुई रात? रात खत्म हुई 10 बजे रात। वहीं आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में शहीद बाबा के कुल ने दिया एकता का पैगाम। खन्नू मोहल्ला स्थित हरी ज़ियारत हज़रत शहीद मर्द बाबा रहमतुल्ला अलैह के उर्स की तकरीबात बाद नवाज़े फजर कुरान पाक की तलावत से हुई। अकीदतमंदों ने गुलपोशी कर अपनी अकीदतमंदी का इजहार किया। इसी कड़ी में महफिल समा की महफिल सजाई गई। रंग शरीफ की रस्म के बाद मिलाद खुवानी पेश की गई। मैं सैयद मुदस्सिर अली, यहाँ दरगाह का मुतवल्ली। मैं यहाँ पे आज कुल की रस्म अदा हुई जिसमें हिंदू मुस्लिम सब धर्मों के लोगों ने शिरकत की। उनकी यहाँ पे मिलाद पाक से मतलब जो है कुल की रस्म अदा की गई। आप यहाँ पे भारी तादाद में जो लोग पूरे इलाके के क्या दूर दूर से जो लोग आए हुए थे उन्होंने सबने शिरकत की और सबके लिए भाईचारे की दुआ की गई। जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए और पूरे हमारे मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम। आज खन्नू मोहल्ले में हजरत बर्शा बाबा साहब का कुल की रस्म अदा हुई जिसमें हम लोगों ने भी शिरकत दी। काफ़ी सारे तादाद में लोग ने शिरकत दी, अपनी भी दुआ मांगी। मुल्क की अमन और शांति के लिए भी दुआ करी गई। जो डेंगू से बीमार चल रहे हैं उनके लिए भी सबने दुआ की, हम लोगों ने भी दुआ की और इंशाल्लाह ताला दुआ सब कबूल होती है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिलके ये लोग यहाँ पर सब लोग मनाते हैं उर्स और काफ़ी हिंदू लोग भी यहाँ तादाद में शरीक थे। इस वक्त भी बड़ा अच्छा लगा माहौल देख करके। माशाल्लाह से यहाँ पता ये चला कि हिंदू लोग जब यहाँ सुबह को जाते हैं दुकान अपनी तो यहाँ चाबी रख के जाते हैं और सबकी दुआ यहाँ कबूल होती हैं और बड़ा अच्छा सा माहौल था। अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल करे।
वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सचिव ने पात्र को बनाया अपात्र, महिलाओं ने की जिलाधिकारी से शिकायत। फरीदपुर ब्लॉक थाना फतेहगंज पूर्वी के ग्राम नगरिया कला और ग्राम खनी नवादा के रहने वाली दो दर्जन महिलाओं ने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि सचिव ने हेरा फेरी करके पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से नाम काटकर अपात्र बना दिया है। आरती पत्नी रामविलास रोजगार सेवक है और 2017 से कार्यरत है। क्या नाम है तुम्हारा? नत्थो। कहाँ की रहने वाली हो? कला नगरिया। आज डीएम साहब से मिलने आई, क्या मांग कर रही हो? कमरा की मांग कर रहे हैं कि कमरा ना है, पन्नी में पड़े हैं। अच्छा। जाति के धोबी। अब हमको प्रधान कह रहा है, अब वोट ना दे, प्रधान हुआ तो वोट ना दे रही है। प्रधान कही दे तो ना देना तो कछु वहाँ। अब राशन कार्ड तुम्हारो लालू हो और को हमको अब सफेद दे दही की तब सफेद दही हमको हमारो लालू काट दो। क्या चाह रही है? हम चाह रहे हैं कि हमारो लालू काट दिया, हमारो देखो कमरा बनाए। कमरा चाहिए बनवाना है उस पर या अलग से चाहिए? कमरा अलग से चाहिए सरकार से या उसी को बनवाना है? कमरा हमें बनवाने नाम बता पहले। नाम जागे सूर्य। कहाँ की रहने वाली हो? खने नवादा। क्या समस्या है तुम्हारी? हमारी ये समस्या है, हमारो लेंटर पन्न का हमारे पैसा नहीं मिलो। हाँ कमरा तो मिलियो लेंटर, लेकिन लेंटर पैसा नहीं दो। लाल कारेट हो वो कटवाई दो, 6 साल हुई है। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा। सुनो, सनाब जंगपाल शर्मा, ग्राम बा पोस्ट नगरिया कला, तहसील फरीदपुर। आज किससे मिल रहे हैं? सुनो, तहसील फरीदपुर, खंड विकास फरीदपुर, जिला बरेली, थाना फतेहगंज पूर्वी। हम दो गांव से, खनी नवादा और नगरिया कला से, न्याय पंचायत एक ही है। और हमारी सबकी आवास की मांग है, और शौचालय पीछे प्रधान ने बनवाए, वो खंडल हो गए हैं। और मोदी योगी जी ने सबको सुरक्षा दी है, सबको हित की बात दी है, सबको आवास दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ का प्रधान दबंग है, वो यादव जाति से ब्रेकेट में ही रहें। ठीक है, उन्होंने अपनी जाति को सब कुछ किया और अदल को कुछ नहीं किया है। आवास अधूरे हैं कुछ लोगों के, कुछ के ऐसे हैं, कुछ लोगों की हमारे यहाँ ज़मीन जो थी वो हड़प ली है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और बाकी बात दबंग ही से अपना काम करते हैं। कृपया करके मेरी इन सब की सुरक्षा की जाए और इनके आवास, लैट्रीन जो भी ऐसे हैं उनकी समस्या मुहैया इनको कराई जाए। देश हित सो हित, सो हित सो देश हित, हम सबकी रक्षा की जाए, इनके लिए आवास दिए जाएं, हमारी सबकी यही कामना है। इनके इनके जो गरीबों के लाल कार्ड होने चाहिए अंत्योदय के, वो इनको सफ़ेद दे दिए हैं, और सफ़ेद वाले वो लाल कार्ड वो बड़े आदमियों को दिए, बड़े बड़े लोगों के आवास बन रहे हैं। इनकी मौके पर बाहर की टीम से जाँच कराई जाए। हमारी क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का रविंद्र सिंह यादव। और हमारी उनसे हर रक्षा की जाए दबंगों से। वहीं आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सिविल लाइन सिंचाई विभाग परिसर में संयुक्त संघर्ष संचालन समिति उत्तर प्रदेश ने जनपद शाखा बरेली के तत्वावधान में समस्त कर्मचारियों शिक्षक संगठनों द्वारा धरना दिया। जिला अध्यक्ष आशीष कुमार गंगवार के नेतृत्व में सिंचाई विभाग से रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। क्या नाम है आपका? मैं आशीष कुमार गंगवार, जिला अध्यक्ष संयुक्त संघर्ष संचालन समिति। क्या मांग है आज जो आप ज्ञापन दे रहे हैं? आज जो हमारी मुख्य मांग है वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है। आज हम लोगों ने जनपद मुख्यालय पर धरना दिया है और उसके बाद हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन हम लोगों ने प्रेषित किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदय जी को। जो इस समय देश में कर्मचारी और शिक्षक आप देख रहे हो कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग कर रहा है, बड़े स्तर पर आंदोलन किए जा रहे हैं, तो हमने भी आज धरना प्रदर्शन दिया है। और ये सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर हम ये मांग करते हैं कि जो पुरानी पेंशन बहाली है इसको यथाशीघ्र किया जाए और जो NPS है उसको समाप्त किया जाए। चूँकि आप खुद जो हमारे राजनेता हैं वो खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं और जो सरकारी कर्मचारी शिक्षक हैं उन्हें NPS
दिया जा रहा है। ये दोहरी नीति, दोहरा मापदंड देश में नहीं चलने वाला है। कर्मचारी शिक्षक अब एक हो चुका है और हमने अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया, हमारा 16 जनवरी 2024 का विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम है, यदि हमारी इस 2024 में इलेक्शन आ रहा है और यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हम हर स्थिति तक जाएंगे, सरकारी विभागों सरकारी सेक्टरों को बिल्कुल तालाबंदी की ओर ले जाएंगे और पूर्णतः 100% हड़ताल की ओर हम लोग ले जाएंगे। अभी ये इसमें सिंचाई विभाग, विकास भवन के हैं और रोडवेज के हैं, सफाई कर्मचारी संघ के हैं, शिक्षक विभाग शिक्षक संगठन है, कई सारे संगठन हैं और भी जो है बड़े स्तर पर हम लोग जो भी हमारे आंदोलन होंगे उनको किया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं सरकार अभी भी समय है, इस बात को समझ ले, जान ले कि कर्मचारी अब आपसे जो नाराज है, अगर उसकी इस मांग को, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को शीघ्र पूरा नहीं किया तो इसके परिणाम उन्हें आने वाले चुनावों में देखने को मिलेंगे।